नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ जो इसी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी के साथ, नीतीश कुमार ने सरकार बनने का दावा किया पेश। नीतीश ने 128 विधायकों का सौंपा समर्थन पत्र राज्यपाल को। नीतीश कुमार ने सौंपा समर्थन पत्र, एनडीए के समर्थन से सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार आज शाम 5 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश ने 128 विधायकों का समर्थन पत्र जो है सौंपा है राज्यपाल को। नीतीश कुमार ने समर्थन पत्र सौंपा है और आज शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एनडीए के समर्थन से सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और राज्यपाल को नीतीश कुमार ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और उन्होंने जो है 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की ओर से मेरे समर्थन पत्र को भी राज्यपाल को सौंप दिया है। तो बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान जुड़े हुए हैं। अजय, नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके बाद आज पेश किया कि 128 विधायक के साथ समर्थन का प्रस्ताव पास करने की बात कही थी, लेकिन लगातार अब जो शाम को 5 बजे से बात कही जा रही है वो दोबारा से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लेंगे। यानी कहने का इसमें दो दो डिप्टी सीएम का जो नाम सामने आ रहा है, विजय और एक सम्राट, यानी कि दो बीजेपी के ऐसे कदावर नेता हैं जिनका इस समय नीतीश कुमार के अंदर मुख्यमंत्री का दावेदारी हो चुके हैं। तो देखना भी ये होगा कि आखिरकार जो नया गठबंधन होगा और जो नए मंत्रिमंडल होगा उसमें कौन कौन होगा। लेकिन अभी जो खबर मिली है कि दो लोगों का नाम उसमें, जो उप मुख्यमंत्री का नाम आज कल लता सुवाती कौन होगा, तो विजय कुमार और सम्राट का नाम सामने आ रहा है। तो जो कि वो हमेशा नीतीश कुमार के पुराने रहे हैं, करीब भी रहे थे, लेकिन उनको में थे कि वो विरोधी भी थे, लेकिन बीजेपी में होने के बाद अब वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे। अब नीतीश कुमार उनके साथ कैसे काम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं अब यूपी की तरफ, जैसे यूपी में डबल सरकार है, इंजन की सरकार है, वैसे बिहार के अंदर जो जनता है उसको विकास दूंगा और उसी की तर्ज पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा पूरी। यानी कि इसी कारण जो गठबंधन था वो टूटा था, दोबारा से वही गठबंधन एक बार फिर जुड़ गया है। तो नीतीश कुमार जो है लगातार विकास को, जो बिहार के विकास की बात करते आए हैं, अब वही शाम 5 बजे के बाद जो कल सुबह मुलाकात होगी और जैसा कल सीएम से मुलाकात कर उसका जो पैकेज मिलेगा, जो विकास की और जो युवाओं के रोजगार की बात होगी उसके लिए चर्चाओं में उसका विषय सबसे बड़ा बना हुआ है इस समय। जी, खबर ये भी आ रही है कि जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने सुबह कहा था जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं अभी, लेकिन संभावना है कि लगातार उनकी कई रैलियां हैं, अगर समय मिला तो हो सकता है शाम को पहुंचे और अमित शाह भी वहां पर भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल चिराग पासवान के साथ मुलाकात हुई थी तो कल ही निर्णय ले लिया गया था कि पूरी तरीके से जो बिहार की सरकार है वो गिरने वाली है और वही हुआ। लेकिन अब जो देखना होगा कि अब जो मंत्रिमंडल होगा, 128 विधायक का जो अपना इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है कि मेरे साथ विधायक है गठबंधन के साथ, बहुमत से अधिक जो विधायक है, अब उसमें बीजेपी और माजी भी इसमें शामिल है, कौन कौन मंत्री बनेगा वो निर्णय हो सकता है कि 1 या 2 घंटे बाद। ये भी खबर आए कि अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा जिसमें 6 मंत्रियों के साथ या 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण लेंगे नीतीश कुमार जी। और बिहार की सियासत में जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता पलट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम रुक करें पुराने दौर की, जब नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग हुए थे तब उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर जो है बीजेपी के साथ दोबारा शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर से जो है अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामाया। हाल ही में हमारे इंडिया वॉइस पर जो है एक जेडीयू की नेता हैं प्रतिभा देवी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है सरकार जिस सरकार से जनता का भला होता है उधर जाते हैं, तो ये भला कितने कितने समय तक होता है, क्योंकि कभी इधर कभी उधर जो है नीतीश का रुख बदलता रहता है। जी देखिए, नेताओं की जवान और बात कोई पता नहीं है कब कहाँ फिसल जाए और कब कहाँ चला जाए। 2 दिन पहले कहते कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, एनडीए में नहीं जाएंगे, बीजेपी ने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया था इसलिए उनका गठबंधन टूटा। आज वही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और फिर उनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री की पद बोलेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए लगातार वही सामना है, लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक गरमाई होती नजर आती है, लेकिन
नेता कहते कुछ है होता कुछ है, लेकिन इसके अंदर जो क्षेत्रीय होता है, जो राज्य का विकास होता है, वो कहाँ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जनता भी यही पूछती है कि नीतीश कुमार बार बार इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन जो विकास है वहाँ का, बिहार का, वो उसकी स्थिति में क्या हुआ। अगर हम आपको बता दें, एक खबर चली थी 22 जनवरी की, जो राम प्रतिष्ठा के समय नीतीश कुमार जी ने वहाँ के अस्पतालों की एक खबर आ रही थी कि वहाँ पर लड्डू बंटवाने थे, लेकिन सीएम आवास से कॉल आया कि कोई भी अस्पतालों में लड्डू नहीं बटेगा। यानी कि सरकार टूटने से पहले ये भी चर्चा हुई थी कि वो राम भक्त के खिलाफ भी थे, लेकिन आज वो बीजेपी में है, अब वो राम भक्त भी बनेंगे, राम मंदिर भी जाएंगे। लेकिन जनता नहीं समझ पाती कि आखिरकार नेता करना क्या चाहते हैं। अब आखिरी मौका होगा, क्योंकि 2024 है, हो सकता है नीतीश कुमार कुछ फायदा हो इसमें, या बीजेपी को फायदा हो, या आरएलडी को फायदा हो गठबंधन टूटने के बाद। लेकिन 2024 का चुनाव होगा, वो कड़ाके का होगा, टक्कर का होगा, और जनता भी समझ चुकी है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। जी, अगर हम इंडिया गठबंधन की अजय बात कर ले, तो पिछले समय जो हाल ही में हमने जो कई सारे, जब नीतीश कुमार के पक्ष बदलने की बात सामने आ रही थी, तो इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने अपना बयान दिया था कि उम्मीद ऐसी नहीं है, नीतीश कुमार जो है इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन अब उनके लिए जो कितने ये हलचल फैला सकती है ये खबर। देखिए, जो बयान दे रहे थे उन नेताओं को मुंह पर अगर बात करते, एक बोलती हुआ ताला बंद हो चुका है। अब वो जो जवाब देते थे कि एनडीए में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार जी जब जो सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो कुछ भी कहें, अब इंडियन गठबंधन के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका चेहरा सबसे बड़ा उसमें पहचाना जा रहा था। क्योंकि कई ऐसे संयोजक की भी बात कही थी कि उनकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जाएगी, उन्होंने कई पार्टी एक साथ लेकर आए थे, कांग्रेस के साथ बैठक की, केजरीवाल को मनाने की बात कही, ममता की बात कही, अखिलेश कुमार की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, कई ऐसे मुख्यमंत्री पूर्व रहे जो उनको लेकर आए, गठबंधन में शामिल किया। लेकिन अब वही नेता क्या जवाब देंगे कि नीतीश कुमार तो दोबारा फिर बीजेपी में आ गए और फिर उनके ही सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति का सबक होता है, वो सवाल होता है, वो अलग हटकर होता है, लेकिन नेता कुछ कहते हैं होता कुछ है। जो कल बैठी थी हमारे जो इंडिया वॉइस पर मैडम बैठी, वो भी यही कहती कि मीडिया को सब पता होता है, लेकिन नेताओं को नहीं पता होता। आखिरकार नेताओं का जो बयान होता है वही मीडिया चलाती है। आज वही सत्य हो रहा है जो कल हमारा इंडिया वॉइस चला रहा था। जी, 17 महीने बाद जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई है। जब चाचा भतीजे की जोड़ी जो है एक साथ आई थी, तो ऐसा खूब जो है माहौल देखने को मिला था बिहार में कि एक बार फिर से अब बिहार विकास के पथ पर होगा, जब चाचा और भतीजे की जोड़ी वहां देखने को मिली। क्योंकि तेजस्वी की बात कर ले तो उन्हें एक युवा नेता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब ये जोड़ी जो है पूरी तरह से बिखर गई है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति ही लगातार, लालू प्रसाद उस समय जेल में थे, जैसे समझ कर रहा, लालू प्रसाद बाहर आ गए और चाचा भतीजे का जो प्यार था वो काफी उमड़ रहा था कि अब तो सरकार जो चलेगी पूरे 5 साल चलेगी और कोई इसमें टूट फूट नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अचानक से 1.5 साल ही सरकार चल पाई और टूट गई। और लेकिन 2024 का चुनाव है, अब इसमें चिराग पासवान को की जो जिम्मेदारी है, जिस तरह से मुलाकात की थी, हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान को दी जाए, क्योंकि उनके पिताजी थे, वो भी काफी सुलझे नेता थे, वो काफी बीजेपी साथ, तो बिहार में उनका नाम था। तो अब जो गठबंधन बना है, इसमें किस तरह से सरकार चलेगी, इस पर भी की जाएगी बैठक की जाएगी, आखिरकार किस तरह से कहाँ पर विकास होना है, और जनता जो है, जो युवा है, जो महिला है, उनके लिए क्या करना है, उनको जो वोटर है, उनका जो वोट है, वो कैसे बीजेपी या नीतीश कुमार या मांझी लेंगे, और जी अजय, चिराग पासवान की बात करें तो हाल ही में जो है उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है, और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश के बीजेपी के साथ जो अंतर कलह हुई थी, और इसकी पीछे की वजह जो है चिराग पासवान ही बताया जा रहे हैं। और अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में आ रहे हैं, तो चिराग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान का अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन मुलाकात बात करें, जैसी घटना सामने आई तुरंत चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे, उन्होंने दोनों अध्यक्ष और गृह मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि जो बीच में होता है वही सलाह करता है, क्योंकि हो सकता है अमित शाह और जेपी नड्डा नाराज थे, लेकिन लगातार जिस तरह से बात की गई उन्होंने मनाया, तुरंत इस पर एक्शन किया और बैठक भी बीजेपी की। लेकिन गिरिराज सिंह लगातार आखिर तक कहते रहे कि हम नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे, दिल्ली में बयान दिया, उन्होंने बाइट दी, लेकिन बिहार गए, वहां पर चर्चाएं की गई, बैठकें, उसके बाद ये सिस्टम चेंज हो गया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वही नेता जो बयान देते थे, अब वो बयान नेता क्या बयान देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले मना किया, आज वो उनके साथ है। तो ये जनता के सामने संदेश जाता है कि
किस नेता पर, बीजेपी पे या नीतीश कुमार जी का या लालू के या सिन्हा जी, किस पर विश्वास किया जाए? अल्लाह कौन करेगा, जनता उसी के साथ जाना चाहती है जी। अजय, हाल ही में अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के सपा अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी जो है नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो इंडिया में है तो उनके लिए फायदे की बात है, लेकिन उधर बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, तो आरजेडी में क्या मिल रहा था नीतीश कुमार को? देखिए, आरजेडी में जो था उनको मिला था, लेकिन उन्होंने कहा था विकास नहीं हो रहा था। अब बीजेपी में आ गए, अब अखिलेश जी क्या कहेंगे कि अब तो दोबारा वही आ गए, अब उनको मिला होगा तभी वो इस बीजेपी में आए हैं, वरना नहीं आते। क्योंकि जैसे कि गठबंधन पिछली बार टूटा था 1.5 साल पहले, यही सवाल लेकर टूटा गया था कि आखिरकार बीजेपी क्या चाहती है, क्या बिहार को विकास करना नहीं चाहती, तो सवाल वही बनता है। अब अखिलेश जी क्या कहेंगे या उनके जो सहयोगी है गठबंधन, वो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार को हम विश्वास मानकर और बिहार विकास के साथ लेकर चल रहे थे, उनको एक जिम्मेदारी दी जा रही थी, अब वो बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं नेताओं को एक सबक भी सीखना होगा। नेता भी नहीं समझ पाते, नेता ही नेता को नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मीडिया पहले जब चलाती है तो मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि मीडिया को सब पता होता है क्योंकि नेता को नहीं होता है, लेकिन सच्चाई वही आती है जो दिखाता है मीडिया। जी, नीतीश कुमार ने अभी भी कहा है कि जो होगा वो आगे आगे आपको पता चलेगा, अभी हम बीच में कुछ दिनों तक चुप थे क्योंकि आप लोगों को अभी हम उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, जो होगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, इनपुट होता है तभी कुछ मिल पाता है, जब नेता एक बयान देगा किसी भी सूत्र से सवाल, क्योंकि पत्रकारिता है कि वो कहीं से भी कोई सूत्र निकालता है, सवाल का जवाब लेता है, वो ही चलाता है। तो नीतीश कुमार जी चुपचाप कहा कि मैं चुप था, चुप के बीच में ही अध्यक्ष पद का चयन हुआ, उन्होंने माना कि अध्यक्ष नहीं होगा क्योंकि लल्लन सिंह ही रहेंगे लेकिन खुद बने, लेकिन संयोग का नाम आया मैं बनूंगा लेकिन नहीं बने। तो देखिए, वही चर्चा है कि कब क्या होता है पता नहीं चलता, अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये भी नहीं पता होगा अभी तक, लेकिन मीडिया हो सकती है शाम के बाद कुछ और चलाए तो उसमें भी सवाल खड़ा होगा। अब यही है कि मीडिया जो चलाती है सच्चाई है, और नीतीश कुमार को बिहार का जो विकास है वो देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करे। जी अजय, बीच में आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच हम आपको ये भी सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया है। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था, जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है, मुझे डर लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। बिहार में जंगल नहीं, ये हम लोग के हाथ में नहीं था ना भाई। नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है? तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से दिसंबर में परिस्थितियां बन रही थी, बिहार भी बंगाल के समान हो जाता, जहां हर आम इंसान, हर व्यक्ति को एक डर के साए में जीना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय करके बिहार के हित में निर्णय किया है,
और जो जंगल राज जो 1990 से 2005 का कार्यकाल था जो जिसमें केवल और केवल अपराधियों की चलती थी वह दोबारा नहीं हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय किया उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, वरना बिहार भी बंगाल बन जाता। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया, और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं, और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। भाई देखिए, हमें सरकार सत्ता की नहीं, हमें जनता की चिंता है, और 15 महीने में जो जनता के लिए काम किया, जो विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता, हम अभी 78 पर हैं, हम 150-200 के पार जाएंगे। तो ये अपने नेताओं के रिएक्शन सुने, और इसी के साथ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग। और अब आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। अब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं, आप भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबके लिए अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिए, हमने छोड़ दिया।
तो सुना आपने कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद जो अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था और किस तरीके से गठबंधन में काम किया जा रहा था, और इसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार शामिल होंगे, और इस बार जो है, और हमारे साथ लगातार अजय चौहान बने हुए हैं। अजय, यहाँ हम देख सकते हैं, अभी आपने सुना होगा, नीतीश कुमार के मन में जो इंडिया अलायंस को लेकर दर्द है वो साफ उनकी बातों से झलक रहा है। उनका कहना है कि इतना बड़ा जो एक साम्राज्य कह सकते हैं दलों का, उन्होंने खड़ा किया और उनके साथ उसमें किस तरह का व्यवहार किया गया, इसको लेकर उन्होंने अपना रुख भी साफ किया है। बिल्कुल, जो है देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पे भी झलक रहा था कि जिस तरह से आते हुए इंडिया गठबंधन में भी दुख था और इस गठबंधन में भी दुख था, यानी कि जो बिहार गठबंधन था वहाँ भी दुख था और इंडिया गठबंधन में दुख था। तो इसको लेकर के इन्होंने कि यहाँ जनता भी परेशान थी और हम भी, यानी साफ नहीं कहा लेकिन उनके मन में था कि कुछ ना कुछ अंदर जो था चल रहा था वो उनको चुभ रहा था, हो सकता है इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और गठबंधन तोड़ा। अब बीजेपी के साथ आकर जो पार्टी है द्वारा बनाएंगे, लगातार से मुख्यमंत्री बनेंगे, जो जंगल राज था बिहार के अंदर चल रहा था वो समाप्ति होगा और यूपी मॉडल के तौर पर अब विकास, जो बिहार का विकास है उसको लेकर के नीतीश कुमार चलेंगे। हमने पहले ही बताया कि वहाँ पर जो जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, सम्राट और विजय, हो सकता है इनको कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाए क्योंकि बीजेपी के खास और माने जाने वाले नेता है ये, तो हो सकता है कि जो जंगल राह था वो खत्म हो और विकास की राहों पर बिहार द्वार चल पड़े। अजय, जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा है कि वो एक अवसरवादी नेता है, इसके आरोप जो है नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, बातें मेरी पूरी नहीं हो रही थी, मेरी जो बात है वो नहीं समझी जा रही थी और इसके चलते ऐसे कदम उठाए गए, किस बात को लेकर वो कह रहे, कौन सी मांग है जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी? कई सवाल इसमें खड़े होते हैं, कई उनके जो मन में है वो सवाल सामने आ रहे थे, लेकिन उनका दुख जो था अंदर था, क्योंकि अध्यक्ष पद के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परेशान भी दिख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के कुछ क्लब के अंदर जब उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला, उसको सवाल किया गया तो उस समय भी उन्होंने चुपचाप वहां से निकल गया, कोई जवाब नहीं दिया था। तो जब से ही नीतीश कुमार को कहता कि कोई ना कोई घटना या कोई ऐसा कारण था जो उनको सता रहा था, लगातार पार्टी लगातार गिरती जा रही है और गठबंधन बैठकों का दौर चलता रहा। आखिरकार वो समय आया, घड़ी आई जिस समय नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और इस समय से गठबंधन जो टूटा और बीजेपी साथ द्वारा चले गए। तो देखिए, अब हो सकता है गठबंधन। जी अच्छा, बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलते हैं जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। कर्मीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन के लिए नगर निगम गोरखपुर को और खास तौर पर महापौर और उनके साथ सभी पार्षदों को, मैं नगर निगम की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ और इधर गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ, इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं। पहन करके करते हैं ना, तो इसलिए
जी ने देखिए वो अपने उद्बोधन से आपका मनोरंजन भी कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे हैं। देखो पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए गांव गांव जा रहे हैं, वॉल लाइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक बार फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को फिल्मों में लेके जाना। लेकिन एक अच्छा प्रयास हो रहा है, इसलिए शहर की शब्द सूरत बदलने के लिए आवश्यक है सफाई कर्मी भी उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है तब शहर अच्छा दिखता है। हमारा शहर गोरखपुर अब साफ और सुंदर दिख रहा है, इसलिए रैंकिंग में सुधार हो रहा है और इसलिए नगर निगम ने भी सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान दोनों कार्यक्रम आयोजित किया है। नगर निगम का पहल बहुत अच्छी पहल है। यहां पे 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हमारे पार्षदों ने महापौर के साथ मिलकर के नगर निगम के अंदर बनाई। इसके लिए सभी पार्षदों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और विकास का कार्य नगर निगम ने महापौर जी के माध्यम से यहां पर किया है। और आज नगर निगम में अब दिखता है कि गोरखपुर एक अच्छा सुंदर शहर है। अच्छा लगता है ना शहर, सबको लगता है ना? आप मुझे बताओ अगर हमारा शहर अच्छा लगता है। तो भी आप गोरखपुर से सीएम योगी को लाइव सुन रहे थे और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।